ये कहानी है बरेली में रहने वाले रईस की, जिसके दो बच्चे थे। एक का नाम राहिल और बेटी का नाम रेशमा, और उनकी बेगम उसनारा। रईस बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, और वो दर्जी का काम किया करता। जैसे तैसे उनके घर का गुजर बसर हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे सर्दी का मौसम आता है, उसे काम मिलना बंद हो जाता है। अरे बेगम उसनारा, एक कप चाय तो पिला दीजिए, बहुत ठंड लग रही है। और ये दोनों बच्चे कहाँ चले गए? वो बच्चे बाहर हैं, मैं अभी बुलाती हूँ। राहिल, रेशमा, चलो अंदर आओ, बाहर बहुत ठंड है, सर्दी लग जाएगी आप लोगों को। अम्मी जान, आज तो बाहर बहुत ठंड लग रही है। हाँ मेरे बच्चों। अम्मी जान, हमें भी चाय दे दीजिए। हाँ मेरे बच्चों, आपको अभी देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाय पी के तो ऐसा लगता है जैसे जिस्म में जान आ गई हो, और चाय पीने से तो ठंड भाग ही जाती है। आज मकान मालिक आए थे, घर का किराया देने की बोलकर गए थे। घर का किराया नहीं दिया तो हमें घर खाली करना होगा। अगर हम घर से बेघर हो गए तो इस कड़ाके की सर्दी में हम बच्चों के साथ कहाँ जाएंगे? हाँ यही फिक्र तो मुझे खाई जा रही है। एक तो ठंड में काम धाम बिल्कुल बंद हो जाता है, घर का किराया भी तो है, और ये सिलाई मशीन भी किराए की है। आप दुकान पर जाकर काम क्यों नहीं करते? दुकान पर भी अभी जगह नहीं है कहीं भी, इसलिए मुझे भी मजबूरन घर पर ही काम करना पड़ रहा है। या अल्लाह, रहम फरमा हम गरीबों पर। अगली सुबह। रईस का बच्चा कहाँ भर गया? तो घर का किराया क्या मेरा बाप भरेगा? रईस दौड़ता हुआ बाहर आता है। जी मालिक। मालिक के बच्चे, घर का किराया क्या तेरा बाप भरेगा? मुझे आज के आज अपने घर का किराया चाहिए, नहीं तो शाम तक ये तेरे बच्चों के साथ तुझे घर से निकाल दूंगा, याद रखना। या अल्लाह, ये कैसी मुसीबत आन पड़ी है। अल्लाह हमारे परिवार पर अपनी रहम अदा फरमा। घर पर ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको हम बेच कर कर्ज अदा कर सके। या अल्लाह अपना रहम फरमा, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम इन्हें लेकर कहाँ जाएंगे? आप कुछ जल्दी कीजिए। मैं अपने मालिक के पास जाता हूँ, जहाँ मैं काम करने जाता हूँ, उनसे शायद कुछ मदद मिल जाए तो अच्छा होगा। रईस जहाँ सिलाई का काम करता था, वहाँ अपने मालिक के पास जाता है। अस्सलाम वालेकुम मालिक। आया रईस भाई। वालेकुम अस्सलाम। मालिक मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए, कुछ दिन के बाद मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। अरे यार, काम धाम तो वैसे ही नहीं है, तुम्हें तो पता ही है, यहाँ अपना पेट पालना भी मुश्किल पड़ रहा है, तो आपको पैसे कहाँ से दूँ? मुझे मालिक, मुझे कुछ पैसे कर दीजिए, नहीं तो मुझे मेरे घर से मुझे निकाल दिया जाएगा। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें इस ठंड में लेकर कहाँ जाऊँगा? ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। काम करोगे तभी पैसा मिलेगा। रईस निराश होता हुआ घर पहुँचता है। क्या हुआ जी, आप इतने गमगीन क्यों हैं? पैसों का कोई इंतजाम नहीं हो पाया। आप अपने मालिक के पास गए थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि काम तो है ही नहीं, तो पैसे किस बात के? आपने बोला नहीं क्या कि मैं उधार चुका दूंगा? हाँ सब कुछ कहा, अल्लाह का वास्ता भी दिया, लेकिन आज के दुनिया के लोग इतने कमजोर हो गए हैं, उनके दिल में रहम नहीं है। दूर बैठे दोनों बच्चे सारी बातें सुन रहे थे। बाबा जान, आप फिक्र ना करिए, अल्लाह ताला सब ठीक ठाक कर देंगे। हाँ बेटा, हमें अल्लाह से मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला एक दरवाजा बंद करता है तो 70 दरवाजे खोल देता है। चलो मैं नमाज पढ़ कर आता हूँ, नमाज का वक्त भी तो हो गया है, आप लोग भी नमाज पढ़ लीजिएगा। ठीक है बाबा जान। सब लोग नमाज पढ़ने लगते हैं, अल्लाह ताला से रो रो कर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें बेघर होने से बचा ले। शाम के वक्त वो मकान मालिक उनके घर पहुँचता है। अरे रईस का बच्चा, कहाँ है तू? पैसों का इंतजाम हुआ या नहीं? मालिक मुझे कुछ मोहलत दे दीजिए, मेरे यहाँ मोहलत वोलत कुछ नहीं मिलती, मैं बनिया आदमी हूँ। बनिए को सिर्फ रोकड़े से मतलब है, किसी की हमदर्दी से नहीं। अल्लाह के लिए हमें कुछ वक्त और दे दीजिए। कोई वक्त नहीं मिलेगा। ए गुंडो, खड़े खड़े देख क्या रहे हो? निकालो इनका सामान घर से बाहर। अल्लाह के वास्ते रुक जाइए, ऐसा ना कीजिए, हम सर्दी में कहाँ जाए। वो मालिक और गुंडे उनकी कोई बात नहीं सुनते और सारा सामान बाहर दे देते। अल्लाह अब क्या होगा? अल्लाह हमारे ऊपर अपनी आजमाइश क्यों कर रहे हो? अल्लाह ताला अपने नेक बंदों का सब्र देखता है, हमें अल्लाह ताला के इस सफर में कामयाब होना है। हाँ बाबा जान, आपने ठीक कहा, अल्लाह ताला मुश्किलात उन्हें देता है
जिनसे सबसे ज्यादा प्यार करता है, यानी कि अल्लाह ताला हमसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। हाँ मेरे बच्चों। अम्मी जान आप ना रोया कीजिए, आपको देखकर हमें भी रोना आ रहा है। ठीक है बच्चों, तुम्हारी अम्मी जान अब नहीं रोएगी। वो सब वहाँ से चले जाते हैं और कई ऐसी जगह ढूंढने लगते हैं जहाँ उन्हें सर छुपाने की जगह मिल सके। तभी उन्हें सड़क के पास एक पेड़ नजर आता है और वो सब वहाँ रुक जाते हैं। पापा जान मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ पापा जान मुझे भी बहुत भूख लगी है। अच्छा मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ इंतजाम करता हूँ। रईस इधर उधर काम की तलाश में जाता है लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिलता। वो थक हार कर वापस आ जाता है। बाबा जान क्या हुआ, कुछ काम मिला? मेरे बच्चों मुझे माफ कर दो, मुझे कोई काम नहीं मिला और न ही मैं कुछ खाने का इंतजाम कर पाया। कोई बात नहीं बाबा जान, आप उदास ना हो, हम पानी पीकर काम चला लेंगे। वो सब पानी पीकर अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं कि ठंड के कारण उन्हें नींद भी नहीं आ रही थी। पूरी रात पेड़ के नीचे उन्हें गुजारनी पड़ती है। पूरा परिवार बेबसी के आलम में दिन काट रहा था। अगली सुबह, अरे आपके भाई के यहाँ चलते हैं ना, कासिम भाई के घर। नहीं हम वहाँ नहीं जा सकते, भाभी जान ने मुझे पिछली बार बहुत जलील किया था। गरीब होना सबसे बड़ा गुनाह है। मेरा भाई अमीर है और एक भाई जो खाने के लिए एक रोटी के लिए तरस रहा है। रईस रात दिन अपने परिवार के बारे में सोचता रहता है। अपने परिवार का ये दुख वो सहन नहीं कर पाता और जान देने का फैसला कर लेता है। मेरे प्यारे बच्चों मुझे माफ कर देना। बाबा जान आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पाया। बाबा जान अल्लाह के लिए ऐसा ना कहिए। तभी अचानक रईस चलती हुई गाड़ी के नीचे आ जाता है और एक झटके में कार उसे उड़ा देती है। ये देखकर पूरा परिवार सदमे में चला जाता है। या अल्लाह ये क्या हो गया, आप हमें इस तरह छोड़कर क्यों चले गए? मुसीबत आई थी तो क्या हुआ, मुसीबत तो अल्लाह ताला दूर कर देते, लेकिन आप हिम्मत हार गए, ऐसा क्यों किया आपने बताइए। बाबा जान उठिए ना, अम्मी जान बाबा से कहिए ना उठ जाए, मुझे जलेबी लाकर कौन देगा? हाँ बाबा जान उठ जाइए, मुझे प्यारी से गुड़िया लाकर कौन देगा? अब आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी, गुड़िया और ना ही जलेबी, अल्लाह के लिए एक बार उठ जाए। बताइए आपने ऐसा क्यों किया, आपने क्यों ये सब कर दिया? मुझे क्या पता था हमारा बोझ आपको इतना गमगीन कर देगा, या आप अपनी जान ही गवा देंगे। या अल्लाह रहम फरमा। ऐसे ही बेबसी के आलम में उनकी जिंदगी गुजर रही थी। अम्मी जान मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया। हाँ बेटा मैं जानती हूँ, मैं चलते चलते थक गया हूँ। बस कुछ दूर और चलो बेटा। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक ढाबा नजर आता है। अम्मी जान ये ढाबा है, यहाँ कुछ खाने के लिए लेकर आइए ना। हाँ बेटा मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ इंतजाम करती हूँ, लेकिन मेरे पास तो पैसे है ही नहीं, पर मैं तुम्हारे लिए भीख भी मांग लूँगी। अम्मी जान ऐसा ना करिए, हमारे लिए ना मांगिए, हम भूखे ही रह लेंगे। माशाल्लाह तुम जैसी औलाद अल्लाह सबको अदा फरमाए, जो कई दिनों से भूखे रहकर भी अपनी अम्मी जान की इज्जत करती हैं। उस नारा ढाबे के मालिक के पास जाती है। मालिक मेरे बच्चों ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, मुझे क्या कुछ रोटी मिल सकती है और मैं बदले में आपका कुछ काम कर दूंगी, जैसे कि बर्तन धोना। हाँ मेरा काम तो तुम कर सकती हो, और भी बहुत कुछ कर सकती हो, तुम्हें रोटी भी दूंगा और पैसे भी, बस तुम कुछ कर दो। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए आपकी रोटी। अरे जाती कहा है मेरी जान। या अल्लाह मेरी हिफाजत अदा फरमा। बच्चों भाग जाओ यहाँ से। पकड़ लो इन दोनों बच्चों को भी। वो गुंडे दोनों बच्चों को पकड़ लेते हैं। हमारी अम्मी जान को छोड़ दो, अल्लाह से डरो, अल्लाह का कहर नाजिल होगा, तुम लोगों पर जमीन के अंदर समा जाओगे। या अल्लाह मेरी हिफाजत अदा फरमा। या अल्लाह मेरी अम्मी जान की हिफाजत अदा फरमा इस जालिम से। छोड़ दे कमीने, छोड़ दे मेरी अम्मी जान को। छोटा सा है लेकिन इसके तेवर तो देखो। अगर मैं बड़ा होता तो तुझे दो गज जमीन में घुसेड़ देता। छोड़ दे मेरी अम्मी को। या मुझे इतनी ताकत दे कि मैं इन जालिमों को सबक सिखा सकूं। आज मेरे बादल और बादशाह होते तो इन जालिमों को सबक सिखा देता। या अल्लाह मेरे बादल और बादशाह को भेज दे,
ये अपनी जान की हिफाजत के लिए। तभी आसमान में बिजलियाँ कड़कने लगती है और तेज हवाएं चलने लगती है। तभी अल्लाह ताला बादल और बादशाह को भेजते। बादल और बादशाह अल्लाह की नूरानी शक्ति लेकर उन जालिमों पर अपनी शक्ति से हमला करते हैं और उन्हें भस्म कर देते हैं। ओ बचाओ, ओ बचाओ, हमें बचाओ, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। अब हम किसी गरीब के साथ ऐसा नहीं करेंगे। या अल्लाह अपना रहमत फरमा। अपना रहम फरमा कर बादल और बादशाह के जरिए जालिमों को खत्म कर देते हैं। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। देखा अम्मी जान, हमारे बादल और बादशाह ने एक बार फिर हमें बचा लिया। हाँ मेरे बच्चों, तुम्हारे बादल और बादशाह तुम्हारे लिए हमेशा तुम्हारी हिफाजत करते हैं। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरे बादल और बादशाह, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। अल्लाह का घर कैसा है? मरने के बाद हमें भी अल्लाह के घर जाना है, हम वहाँ जरूर मिलेंगे। इतना कहकर बादल और बादशाह फिर अल्लाह के घर चले जाते हैं। चलो बच्चों, अब हम भी चलते हैं। तुम्हारे बाबा मरते समय तुम्हारे चाचा जान का पता देकर गए थे, हमें वहाँ जाना होगा। ठीक है अम्मी जान, मुझे बहुत नींद आ रही है और बहुत ठंड भी लग रही है ना। एक दूरी पर शेल्टर नजर आ रहा है, हम वहीं चलकर रुकते हैं। वो तीनों शेल्टर के पास जाते हैं। अम्मी जान, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मेरे लिए कुछ कीजिए ना। ठीक है बेटा, अभी मैं तुम दोनों के लिए कुछ करती हूँ। उसी समय उस नारा आसपास पड़ी हुई लकड़ियों को जमा करती है और आग जला देती है। अल्लाह तेरा शुक्र है कि कुछ समय के लिए हमें ठंड से बचने के लिए आग तो नसीब हुई, लेकिन सर्दी इतनी तेज थी कि बर्फबारी होने लगती है जिससे कि आग बुझ जाती है। या अल्लाह रहम, इस कड़ाके की सर्दी में रहना कितना मुश्किल होता है। हम गरीबों का इम्तिहान मत ले, हम पर रहम फरमा। तभी आसमान में एक चमक उठी, चांद से निकलकर बादल और बादशाह आ रहे थे। देखो अम्मी जान, बादल और बादशाह फिर से आ रहे हैं। अब क्या हुआ? अब तो हमें नहीं पुकारा था। हाँ मेरे बच्चों, लेकिन अल्लाह ताला सब जानने वाला है। शायद अल्लाह ताला ने फिर से हमारे पास इन्हें भेजा है। बादल बादशाह, आप लोग फिर आ गए। हम अल्लाह ताला के हुक्म से आए हैं। मेरे नेक बंदे गुर्बत में है, उनकी मदद की जाए, तुम्हें सर्दी से बचाया जाए। अल्लाह ताला आप लोगों से बहुत खुश है। अल्लाह ताला ने आपके सब्र को अच्छा मुकाम अता फरमाया है। आप अल्लाह ताला के नेक बंदों में से हो। बादल और बादशाह बुझी हुई लकड़ियों को अपनी शक्तियों से जला देते हैं और बुझी हुई लकड़ियों में आग लग जाती है जिससे वह सर्दी से बच जाती है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, जो हमें इस मुश्किल हालत में देखकर हमारी मदद के लिए तुमने बादल और बादशाह को भेज दिया। या अल्लाह, तू बड़ा ही रहम और गफूर है। तू गरीबों की सुनने वाला है, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तू सबकी सुनने वाला है, चाहे वो गरीब हो या अमीर, सबकी सुनने वाला है तू। ये लीजिए, ये लजीज खाना। बादल और बादशाह उनके लिए अच्छे अच्छे पकवान खाने को ला देते हैं, जिसे खाकर वो तीनों सो जाते हैं। पूरी रात बादल और बादशाह उनकी ठंड से हिफाजत करते हैं। अगली सुबह बादल और बादशाह उनकी मंजिल पर उन्हें पहुंचा देते हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, और इसी तरह की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।